Hello everyone, welcome back to Study Point. So in this lecture, we are going to discuss another play of William Shakespeare, and that is King Lear. So this is about unit number fifth of BA third semester English drama. So let's start the video. Uh, before starting up the summary, uh, first of all, we will discuss about the characters of this play, and then we will move to the summary. Okay. So uh, here are the characters. So the first and most important character of the play is King Lear. तो so बेसिकली जो किंग लियर है वो ब्रिटेन का एक बूढ़ा राजा है जो कि बहुत ही ज्यादा मूर्ख है तो वो क्यों मूर्ख है उसको हम आगे देखेंगे और देखिए इसमें से ना मतलब जो आपकी टोटल एट यूनिट है उसमें से सिर्फ आपकी फोर्थ यूनिट है जिसमें कि कुछ पोइट्रिक डिवाइस कुछ आपकी टाइप्स ऑफ ड्रामाज हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामाज हैं तो उसके अलावा जितनी भी हमारी यूनिट रह जाती है यूनिट फिफ्थ टू एट्थ तो वो सारी की सारी आपकी ड्रामाज हैं तो उनकी समरीज और उनमें जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको इन कैरेक्टर्स को भी पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ समरी में से भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन मतलब आपसे कुछ कैरेक्टर्स का कैरेक्टर स्केच भी पूछ सकता है वो और उनका प्ले में क्या रोल है इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन वो बना सकता है तो क्वेश्चन की वीडियो मैं ये यूनिट कम्प्लीट कराने के बाद अपलोड करूंगी और बाकी इंग्लिश ड्रामा की जो भी ये थर्ड साम की यूनिट है मीन यूनिट फर्स्ट टू फोर्थ और साथ साथ यूनिट सिक्स और एट्थ एंड फिफ्थ में अपलोड कर चुकी है अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है वहाँ से आप देख सकते हैं और इस लेक्चर के किसी भी लेक्चर के अगर आपको पी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी तो चलिए आप फटाफट से देख लेते हैं कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे और कौन हमारे मेन कैरेक्टर्स रहेंगे ठीक सो so, सबसे पहले यहाँ पे किंग लिया जो कि ब्रिटेन के बूढ़े राजा हैं और इस कहानी के वो आ, मतलब नायक कह लीजिए आप मेन कैरेक्टर रहेंगे ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा चापलूस टाइप के हैं और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि कोई इनकी चापलूसी करे इनकी तारीफ़ें करे और एक तरीके से मतलब झूठी तारीफें भी आप करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो इनको इस तरह की, की लोग पसंद हैं और नेक्स्ट है कौडेलिया जो कि इनकी सबसे छोटी बेटी है ठीक है तो इनकी तीसरी और सबसे छोटी बेटी है तीन बेटियाँ हैं इनकी कौडेलिया और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे गोनरिल जो गोनरिल है वो इनकी सबसे बड़ी बेटी है और सबसे ज़्यादा निर्दयी आप इनको कह सकते हैं ठीक है थर्ड है यहाँ पे रीगन जो रीगन है वो इनकी मंजिली बेटी मतलब ये सबसे बड़ी बेटी है ये सबसे छोटी बेटी है और जो लीगन है वो सबसे इनकी बीच वाली बेटी है ठीक है उसके बाद आता है इसमें ग्लस्टर तो जो ग्लस्टर है वो किंग लियर का एक वफादार मतलब आप कह सकते हो कि इन्होंने अपनी आर्मी में अलग अलग लोगों को आ, रखा हुआ है जिसमें से जो इनके सबसे वफादार है, वो ग्लस्टर है ठीक उसके बाद एड एडमंड आता है जो एडमंड है वो ग्लस्टर का ही बेटा है ठीक है लेकिन नाजायज बेटा है उसके बाद आता है यहाँ पे एडगर और जो एडगर है वो इनका सबसे बड़ा बेटा है आई मीन ग्लस्टर के ये जो ग्लस्टर है इन्हीं के ये दोनों पुत्र हैं एडमंड और एडगर एडगर इनके बड़े बेटे हैं और इनके अपने पुत्र हैं और जो एडमंड है वो इनके नाजायज पुत्र हैं उसके बाद आता है कैंट तो जो कैंट है वो ग्लस्टर के समान ही रैंक का एक तरीके से सिपाही है और किंग लियर के प्रति काफी ज्यादा वफादार है मतलब किंग लियर के प्रति वफादार यहाँ पर कैंट है लेकिन कैंट से ज्यादा जो इम्पोर्टेंस राजा ने दी हुई है वो ग्लस्टर को दी हुई है ठीक उसके बाद एल्बनी है जो एलबनी है वो इनकी छोटी बेटी कॉनरिल के पति हैं और जो कॉर्नवॉल है वहाँ पे वो लियर की जो बेटी सॉरी लियर की जो बेटी रेगन है उसके पति हैं ठीक है थीके? तो यही थे हमारे मेन कैरेक्टर्स आप एक बार इन कैरेक्टर्स को जरूर नोट करें क्योंकि कैरेक्टर्स से ही आपको स्टोरी को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर्स हो गए चलिए अब चलते हैं इस प्ले की समरी की तरफ और अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो उनमें देखा कि किंग लेयर की तीन बेटियां हैं बट उसने अपने जो किंगडम को बांटा वो अपनी दो बेटियों के बीच में बांटा ठीक है जो कि उसकी बड़ी बेटी और मंजिली बेटी है तो क्यों उसने अपनी छोटी बेटी को कुछ भी नहीं दिया चलिए देखते हैं आगे जैसे कि मैंने कहानी की शुरुआत में आपको बताया कि जो किंग किंगयर है वो बहुत ही एक मूर्ख राजा है क्योंकि एक राजा होने के बाद भी उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि अगर कोई उसकी झूठी तारीफ भी कर देता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो उसकी जो बेटी थी कॉर्डेलिया जो सबसे छोटी बेटी है उसने इस तरीके की झूठी तारीफ करने से इनकार कर दिया जब उसने अपनी तीनों पुत्रियों से पूछा कि तुम तीनों में से कौन मुझे कितना प्रेम करता है कौन मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है तो बाकी दो रानियों ने यह तक कहा कि वो अपने पिता के लिए जान भी दे, दे देंगे लेकिन जो कॉर्डेलिया है उसने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ लेकिन एक, लेकिन एक लिमिट तक प्यार करती हूँ है ना और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं दुनिया में आपसे ही प्यार करती हूँ बाकी चीज़ें प्यार नहीं करती हूँ तो उनका मानना था कि हर चीज़ की ना अपनी एक प्लेस होती है तो जिस तरीके से मेरे जीवन में आपका स्थान है वैसे ही बाकी चीज़ों का भी है तो आप उन स्थानों में सर्वोपरि नहीं हैं तो किंग लियर को ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि उसकी जो बेटी कॉर्डेलिया है उसको लगता है कि उसने आ, अपने पिता की बेइज्जती की है भरे दरबार में तो इसी वजह से वो अपनी समरी को अपने सॉरी समरी को नहीं सॉरी प्रॉपर्टी को बाकी की दोनों बेटियों में बांट देता है ठीक है और उसके बाद जो तीसरी पुत्री है उसको वो कुछ भी नहीं देता मतलब अपनी प्रॉपर्टी में से कोई भी राइट उसको नहीं दिया और उसने कहा कि वो अब मेरी बेटी है भी नहीं और मैं उसको उस घर से और प्रॉपर्टी से एकदम अलग कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर उसने मूर्खता ये की है कि अपनी दोनों जो बड़ी और मंजिली बेटी है उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को उन दोनों के बीच में बांट दिया और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा अब यही मूर्खता जो है वो राजा को आगे जाके के परेशान करने वाली है क्योंकि जब वो अपने लिए घर ढूंढेगा मतलब अपने लिए रहने की जगह ढूंढता है तो उसकी जो दोनों पुत्रियाँ हैं जिनको उसने अभी किंगडम दिया है वो उसको रखने से मना कर देती थी हैं ठीक है देखिए इस पीडीएफ में मैंने आपको एक्ट वाइज समरी प्रोवाइड करा दी है जिसको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं ठीक है बाकी एक्ट की जो स्टोरी है आप उसको ध्यान से सुनते चलिएगा मेनली चार इसके अंदर एक्ट हैं आपके ठीक है पी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी देखिए यहाँ पर इसमें एक कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस होता है सॉरी मैं उसका नाम कैरेक्टर्स की लिस्ट में ऐड करना भूल गई हूँ आप उसको लिख लीजिएगा जो ड्यूक है आ, वो एक ऐसा व्यक्ति है वो एक ब्रिटिश सेना से है और जो ड्यूक है यहाँ पर वो यहाँ पर कॉर्डेलिया के लिए विवाह प्रस्ताव लाते हैं और कहते हैं कि वो बिना दहेज के ही कॉर्डेलिया को यहाँ पर स्वीकार करेंगे ठीक है कि अब चलते हैं इनके विवाह समारोह की तरफ क्योंकि जब राजा बूढ़ा हो चुका है उसने डिसाइड किया है कि वो अपने राज्य को पुत्रों के बीच में बांटेगा तो साथ ही साथ उसने ये भी डिसाइड किया है कि अभी वो अपनी तीनों पुत्रियों की शादी करने वाला है तो देखिए जैसे ही पूरे किंगडम में ये चीज़ फैल जाती है कि जो कॉर्डेलिया है अभी उसको प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया है तो जो कौडिलिये के लिए पहले लड़का ढूंढा गया था मतलब जिस से उसकी शादी होने वाली थी जो कि ड्यूक ऑफ बर्गंडी था उसने अभी मना कर दिया ठीक है कॉर्डेलिया का प्रेमी भी वो रह चुका था लेकिन जब उसको पता चला कि अभी कॉर्डेलिया के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं बची है तो वो उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। उसके बाद फ्रांस के राजा वो कॉर्डेलिया की ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लेते हैं तो जो लियर का राज्य है किंग लियर का वो गोनेरिल और रेगन और उसके सिपाही जो थे उन सभी के बीच में बढ़ जाता है और लियर उनमें से प्रत्येक के साथ वैकल्पिक रूप से रहने की योजना बनाता है देखिए वैकल्पिक रूप से यहाँ पर मतलब है क्योंकि राजा ने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को अपनी दोनों बेटियों के बीच में बांट दिया है तो उसने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन बड़ी बेटी के पास रहेगा और कुछ दिन वो अपनी छोटी बेटी के पास रहेगा तो देखिए अभी फर्स्ट एक्ट में इतना ही कुछ होता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को किस किस तरीके से किसके बीच में डिवाइड किया और किसकी शादी किससे हुई है जो गरल है उसकी शादी एल्बनी से हो जाती है और जो लीगन है वो कॉर्नवॉल से शादी करती हैं ठीक है थीके? तो अब चलते हैं हम एक्ट नंबर टू की तरफ देखिए एक्ट टू में होता यह है कि अभी जो राजा है उसने डिसाइड किया है कि वो दोनों पुत्रों के पास रहेगा ठीक है अब इसी बीच में जो एलमंड ग्लस्टर है वो एक योग्य पुत्र के रूप में पहचाना जाता है मतलब जो हमने देखा कि ग्लस्टर के पुत्र है एडमंड और एडगर ठीक है तो जो एडमंड है उसको बहुत ज़्यादा योग्य और अच्छा माना जाता है और उसके साथ साथ जो दूसरा पुत्र है उसको माना जाता है कि वो हमेशा क्या करता है अपने पिता के खिलाफ और शासन के खिलाफ साजिशें करता रहता है ठीक है और देखिए इस सब के दौरान सब जो सबसे बेकार चीज होती है वो ये कि जो आ, किंग का दरबारी का मतलब सॉरी जो इसका वफादार दरबारी था कैंट अभी राजा ने उसको अपने किंगडम से निकाल दिया इस वजह से कि जो कैंट था वो कौडिले को सपोर्ट करता है वो कहता है कि कॉर्डेलिया बहुत हद तक सही है और आपने कॉर्डेलिया की शादी किंग ऑफ फ्रांस से तो करा दी लेकिन उनको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिया अपने प्रॉपर्टी में तीनों बेटियों को राइट देना था लेकिन उसको आपने कोई भी राइट नहीं दिया सिर्फ इस वजह से कि उसने आपकी तारीफ़ नहीं की है तो ये आपने काफ़ी गलत किया है अब यहाँ पर जो राजा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चापलूस मतलब उसको चापलूसी करने वाले लोग और अपनी झूठी तारीफ़ें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस वजह से वो क्या करता है अपनी छोटी बेटी के साथ साथ में कैंट को भी दरबार से निकाल देता है और उसको कह देता है कि आज के बाद तुम यहाँ नजर नहीं आओगे देखिए उसके बाद आगे क्या होता है देखिए राजा ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी दोनों बेटियों में तो बांट दी लेकिन अभी भी उसको वही आदत है कि वो दिखा दिखाना चाहता है कि अभी भी वो एक शाही राजा है और अपने शाही पन्ने को दिखाने के लिए उसने अपने पास में सौ नाइट्स ठीक है मतलब सौ सिपाही अपने पास रखे और जहाँ भी वो जाता है उन सिपाहियों को लेकर जाता तो अभी उस, उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी दोनों बेटी जो गॉन्निल और रीगन है उनके पास रहेगा बारी बारी से और उनसे और उनके अपने दामाद से सेवा कराएगा तो वो जाता है सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी गोनरिल के पास उसको एक पत्र लिख करके बताता है कि वो उसके पास रहने के लिए आ रहा है और साथ ही साथ अपने सौ नाइट्स को भी लेकर आएगा और जैसे ही गोनरिल को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसको बहुत इस बात पर गुस्सा आता है कि वो खुद तो आ रहे हैं और अपने साथ साथ में सौ किंग लेकर के सौ नाइट्स लेकर के आ रहे हैं तो देखिए आगे फिर ये होता ही है Uh, अभी जो इसकी बड़ी बेटी है uh, गवर्नरल वो बहुत ज़्यादा इस बात से छिड़ी हुई है कि अपने मतलब पिताजी की सेवा तो करनी पड़ेगी साथ साथ में वो सौ नाइट्स लेकर के आ रहे हैं उनकी भी देखभाल करनी पड़ेगी तो अभी वो गुस्से गुस्से में अपने सारे दास दासियों को और जितने भी दरबार में लोग थे सभी को ये चीज़ बोल देती है कि जब उसके फादर यहाँ पर रहने आए तो उनको कोई भी किंग की तरह ट्रीट ना करें और अपने उनके जो नाइट्स हैं ना उनको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए और देखिए साथ ही साथ इसके साइड बाय साइड जो हमने देखा था जो ग्लस्टर है जो कि किंग लेयर के ही सिपाही थे मतलब महल में तो उनके जो दो बेटे थे एडमंड और एडगर जिसमें से जो एडमंड है वो नाजायज बेटा है और वही इस कहानी का सबसे बड़ा विलन होगा आगे जाकर के और जो एडगर है वो जायज़ बेटा है तो अभी ग्लस्टर ने क्या किया कि वो अपने पिता को भड़काने लगता है एडगर के खिलाफ तो ग्लस्टर से एडमंड ने कहा कि जो एडगर है वो तुम्हें मारने की योजना बना रहा है और बहुत ज़्यादा उसकी मतलब बुराइयाँ करके और उसको झूठा साबित करके वो एडगर की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और इस वजह से ग्लस्टर ने क्या किया उसको निकाल दिया और इसी वजह से एडगर को जा के छिपना पड़ता है जंगलों में तो वो एक झोंपड़ी में एक भिखारी बनकर के वहाँ पर रहना शुरू कर देता है और एडमंड महल में रह के ही अभी षड्यंत्र योजनाएं बना रहा है कि किस तरीके से वो पूरे शासन को हड़प सकता है तो देखिए फिर देखते हैं आगे जब किंग जाता है अपनी बेटी के पास उसके बाद आगे क्या होता है देखिए अब साथ साथ होता यह है कि जो कैंट था जो इनका वफादारी दरबारी था किंग लियर का वो भी अब वेश बदल कर उसी महल में रह रहा है और वो राजा की देखभाल कर रहा होता है मतलब वो देख रहा होता है कि राजा किस हाल में है किस हाल में नहीं है मतलब साइड बाय साइड अभी वो उसकी केयर कर रहा है लेकिन वेश बदल के रह रहा है तो देखिए अब जो उसकी बड़ी बेटी गोनरल है वो इस बात को अपने पिताजी से साफ साफ कह देती है कि देखिए इस तरीके से तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा मतलब जो किंग लेयर है वो पहले से ही काफी ज्यादा परेशान थे ये देखकर कि उनके साथ यहाँ पर इतना बुरा ट्रीटमेंट हो रहा है उसके साथ साथ फिर गोनेर ला करके उनसे कह देती है कि देखिए अगर आपको यहाँ रहना है तो ये सौ नहीं आपको पचास नाइट्स रखने होंगे इतने ज़्यादा नाइट्स आप नहीं रख सकते और ना ही कोई भी इनका खर्चा पानी यहाँ पर उठाएगा तो जब उनकी पुत्री ने उनको इस तरीके से बोला तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सोचते हैं कि यही वो पुत्रियाँ हैं कि जिनमें मैंने अपने शासन को बांटा और जिनको देख कर मुझे लगता था कि शायद ये दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम वो उससे करती हैं उसके बाद देखिए अब राजा ने डिसाइड किया कि अब वो रीगन के पास रहने जाएंगे तो जो इनकी बड़ी बेटी गोनरिल है वो रीगन को पहले इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देती है कि अब जो पिताजी हैं वो तुम्हारे घर रहने आने वाले हैं तो देखिए आगे क्या होता है अब आगे राजा को पता चलता है कि जो उसकी म, आ, मंजली बेटी रीगन है वो बड़ी बेटी से भी ज़्यादा बेकार है क्योंकि मंजली बेटी ने क्या कह दिया राजा से सीधा सीधा कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो देखिए ये पचास नाइट्स भी मैं आपको नहीं रखने दूंगी अगर आपको खुद को अकेले रहना है तो ठीक है वरना आप मेरे महल में मत आइए तो एक बार को गर ने पचास नाइट्स रखने के लिए परमिशन दे दी थी लेकिन जो छोटी बेटी उसने वो भी नहीं दी तो इस बात से राजा को और ज़्यादा दुख होता है और साथ ही साथ ये जो रीगन है और गोनरिल हैं इन दोनों ने और इनका जो हस्बैंड है मतलब जो लीगन का पति है कॉर्नवोल इन तीनों ने मिलकर क्या किया कि जो ग्लस्टर का महल है अभी उसको भी इन्होंने बंद करा दिया है है ठीक तो अब देखते हैं आगे क्या होता है अब देखिए राजा की दशा इतनी ज़्यादा बेकार यहाँ पे कर दी गई है कि किंग कि लियर को अब सीधा सीधा महल से बाहर निकाल दिया गया है तो अभी जो इसका दरबारी कवि था जो कि बहुत वफादार था केंट वो इस वक्त यहाँ पे नहीं है उसको कालकुर्ची में बंद किया हुआ है लेकिन जैसे तैसे वो खुद को वहां से छुड़ाता है और फिर वो जाता है किंग लियर को ढूंढने तो जब वो किंग लियेयर को ढूंढने की तरफ निकलता है उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है मतलब कोई एक जेंटलमैन मिला और उस व्यक्ति ने उसको बताया कि उसने किंग लेयर को और किंग लेयर के साथ एक व्यक्ति को और देखा है तो तभी जो कैंट होता है वो उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसने उसको वही इन्फॉर्मेशन दी जो उसको चाहिए थी तो इसलिए वो अपनी रिंग उस व्यक्ति को दे देता है और फिर वो निकल जाता है किंग लेयर को ढूंढने ठीक है और साथ ही साथ में कैंट ने उस व्यक्ति से ये भी कहा कि जो रिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हें किंग लेयर की छोटी बेटी कॉर्डिले तक पहुँचानी और कॉर्डिले को बताना है कि उसके पिताजी की जो अभी स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत है ठीक है अब जैसे तैसे कैंट ने किंग लेर को ढूंढा और किंग लेयर के साथ एक व्यक्ति और होता है तो उन दोनों को ढूंढ कर के कैंट लेकर के जाता है किंग लेयर को और उस व्यक्ति को एक झोंपड़ी में और मतलब जंगल में एक झोंपड़ी उनको मिलती है जिसमें वो उनको लेकर चला जाता है और बाद में पता चलता है कि वो जो झोंपड़ी थी उस झोंपड़ी में जो व्यक्ति रह रहा होता है वो ग्लस्टर का बेटा एडगर होता है ठीक है जो कि उसका जायज़ बेटा है और मतलब एक हीरोइक कैरेक्टर है वो इस स्टोरी में जिसको की उसके जो एडमंड था मतलब जो ग्लस्टर का बड़ा बेटा था नाजायज बेटा एडमंड उसने बाहर निकलवा दिया था ठीक है अब जब इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है ग्लस्टर को तो ग्लस्टर अपने बड़े बेटे एडमंड मतलब अपने नाजायज बेटे से एडमंड से कहता है कि हमें किसी ना किसी तरीके से राजा की मदद करनी चाहिए चाहे हम गुप्त रूप से करें क्योंकि अभी ग्लस्टर को नहीं पता होता है कि जो एडमंड होता है असल में उसी की नीयत सबसे ज्यादा खराब है लेकिन ग्लस्टर को लगता है कि एडमंड अच्छा है और एडगर बेकार है तो अभी ग्लस्टर ने एडमंड को ये बता दिया कि उसको एक फ्रांस से लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि जो इंग्लैंड है वो अभी फ्रांस पर आक्रमण करने वाला है सॉरी मतलब इंग्लैंड पर आक्रमण होने वाला है इंग्लैंड और फ्रांस के आपस में लड़ाई होने वाली है इस बारे में इसने बता दिया एडमंड को तो यहीं पर इसने सबसे मतलब बेकार चीज़ की क्योंकि इसको ये चीज़ एडमंड को नहीं एडगर को बताता तो शायद ज्यादा हेल्पफुल रहती तो अभी एडमंड को पता चल जाता है तो देखिए आगे क्या होता है फिर देखिए आगे होता यह है कि अब जो ग्लस्टर है वो तो किंग लियर की हेल्प करने निकल गया है तो ग्लस्टर कैंड और किंग लियर और उसका छोटा बेटा जो था जो एडगर था जायज़ बेटा वो अभी सब एक साथ है और वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको उस आदमी से डील करना है तो यहीं पे एडमन जो होता है वो इस कंडीशन का फ़ायदा उठाता है और वो जाकर मिल जाता है रीगन के पति कॉर्नवॉल से और कॉर्नवल को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि मेरे जो पिताजी हैं उनको फ्रांस से कोई लेटर भी मिला है और वो किस तरीके से फ्रांस की हेल्प करने वाले हैं और वो किंग लेर को भी बचाने वाले हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉर्नवॉल को दे दी एडमंड ने और कॉर्नवाल इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ग्लस्टर की गद्दी पे से ग्लस्टर को हटा करके उसके पुत्र एडमंड को बिठा देता है ठीक है अब देखिए जो राजा की छोटी बेटी थी कॉर्डेलिया वो अपनी फोर्स लेकर के अपने पिता को बचाने निकल जाती है लेकिन जिस वक्त कॉर्डेलिया वहां पर पहुंचती है उस टाइम पे महल में कौन होता है कॉर्नवॉल और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कॉर्नवॉल को अब ये जो कॉर्नवॉल है इसने सबसे पहले पकड़ा ग्लस्टर को कि ये जो दरबारी है सबसे ज्यादा मतलब इंफॉमेशन इसी ने लीख की इसी ने हमें धोखा दिया तो सबसे पहले उसने ग्लस्टर को पकड़ा और मतलब कैद कर लिया है और फिर इसने आ, जो गॉनरिल है उसको भेजा एल्बनी के पास जो कि सॉरी जो गॉनरिल है मतलब उसी का हस्बैंड है एल्बनी तो गॉनरिल से कहा उसने कि जाकर के मतलब अपने पति से हेल्प लो और मतलब उससे कहो कि वो भी अपनी फोर्स को क्या करेगा हमारी फोर्स में मर्ज करो और हमारी हेल्प करे तो अभी जो गोंड्रेल का पति है वो गोंड्रेल को मना करता है कि तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है तुम्हें अपने पिताजी के साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए तो वो उनको समझाता है बट वो नहीं मानती और इस पूरे षडयंत्र में गोंड्रल रीगन और कॉर्नवॉल मिले हुए होते हैं ठीक है अब देखिए जो कॉर्नवॉल है वो रीगन है मतलब कॉर्नवॉल का जो मतलब कॉनवल की जो वाइफ है वो रीगन है रीगन और कॉर्नवल मेर करके यहाँ पर जो क्लस्टर दरबारी था उसकी आंखें निकलवा देते हैं मतलब उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं बिल्कुल स्थितियाँ खराब कर देते हैं अब देखिए दूसरी तरफ जब ग्लस्टर की आंखें निकलवा दी जाती हैं तो कुछ मतलब सेवक होते हैं कुछ दास होते हैं महल में जो ग्लस्टर को ले जाते हैं एडगर के पास और अभी भी एडगर को मतलब ग्लस्टर को नहीं पता होता है कि जो एडगर है उसका बेटा वही है जो झोंपड़ी में गरीब बनकर टॉम नाम से रह रहा है तो फाइनली ग्लस्टर को जाकर पता चलता है कि वो उसका बेटा एडगर है और उसी ने उसकी हेल्प की थी तब जैसे तैसे वो वाप बेटे मिल जाते हैं और दूसरी तरफ जो रीगन है वो अभी लगी हुई है कोशिशों में कि वो कॉर्नवेल और मतलब एल्गनी जो है कॉर्नवेल रीगन और ये ये तीनों मिलकर के एल्बनी को मना रहे हैं कि जैसे तैसे वो मान जाए और वो अपने षडयंत्र को आगे रूप दे सके अब देखिए तभी न्यूज आती है कि जो कॉर्नवल है वो मर चुका है मतलब महल में किसी नौकर ने किसी दास ने उसको मार दिया है तो कॉर्नवल की हत्या के बाद अब जो गॉर्नवेल और रीगन है क्योंकि एल्बनी पहले से उनके षडयंत्र में शामिल नहीं होता जो कि गॉर्नवेल का ही हस्बैंड है तो अब सबसे बड़ा खिलाड़ी यहाँ पर बचता है एडमंड तो देखिए देखिये एडमंडली अगली चाल चलने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले होता है क्या कि जो गॉनरल है और रीगन है वो दोनों ही एडमंड को पसंद करती हैं और दोनों ही चाहती थी कि उनकी शादी किससे हो जाए एडमंड से हो जाए ठीक है मतलब यहाँ पर जो ये दोनों रानियाँ हैं एक जो रीगन है जिनके पति की डेथ हो चुकी है तो उनको तो लगता है कि मैं विधवा हूँ तो मैं एडमंड से शादी कर सकती हूँ दूसरी तरफ जो गॉनरल है वो सोचते हैं कि अभी मुझे अपने हस्बैंड एलबनी को मार देना चाहिए जिससे कि मैं भी एडमंड से शादी कर पाऊँ लेकिन जो एडमंड है दोनों में से ही किसी को पसंद नहीं करते हैं वो असल में सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए और सिर्फ उस किंगडम के लिए गेम्स खेल रहे होते हैं देखिए अभी जो यहाँ पर जो छोटी बेटी थी कॉडेलिया वो किंगयर से मिलना चाहती है लेकिन जो किंग किंगयर है वो अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं था कि वो उस अभी भी नापसंद करते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो उन्होंने उन अपनी छोटी बेटी के साथ में किया था उससे वो काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं क्योंकि उस सब के बावजूद भी जो कॉर्डेलिया है वो उनकी मदद करने के लिए फ्रांस से यहाँ पर आई हुई थी तो इस वजह से वो अपनी बेटी को फेस करना नहीं चाहते थे तो देखिए अब शुरुआत होती है फ्रांस फोर्स और इंग्लैंड फोर्स के बीच में लड़ाई की ठीक है तो देखिए जो इंग्लैंड की फोर्स है उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो एडमंड थे मतलब एडमंड की तरफ से थी मतलब Edmund उसमें हेड थे और फ्रांस की जो टीम उसका तो थी उसका नेतृत्व करी उनकी बेटी कॉर्डेलिया है दोनों को यहाँ पर कैदी कर लिया जाता है साथ ही साथ जो ये एडमंड था इसने अपने एक आ, सेवक को भेजा और कहा कि किंग लियर को और कॉर्डेलिया को वहीं पर जेल में मार दिया जाए तो अब कहानी एंड की तरफ बढ़ती है उसके बाद यहाँ पर लड़ाई होती है एडमंड और एडगर के बीच में तो जो एडगर होता है वो एडमंड को हरा देता है यहाँ पर मार देता है तो अभी एडगर बचता है अब यहाँ पर इस वक्त सबसे ज्यादा दुखी होता है ग्लस्टर क्योंकि ग्लस्टर को इस चीज़ को लेकर बहुत ज्यादा मतलब गिल्ट फील होता है कि उसने एडमंड को हमेशा सही समझा और एडगर को गलत समझा लास्ट में ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो उसका नाजायज बेटा था एडमंड वही गलत था एडगर शुरुआत से ही सही था देखिए अभी गॉनरिल को और रीगन को नहीं पता इस बारे में कि एडमंड की हत्या हो चुकी है तो गॉनरिल ने रीगन को जहर दे करके मरवा दिया जिससे कि वो एडमंड से शादी कर सके लेकिन अभी गॉनरिल को पता चलता है कि एडमंड मर चुका है और रीगन को उसने खुद ने मरवा दिया है इसी वजह से यही सोचकर उसको बहुत दुख होता है कि उसने अपनी बहन को मरवा दिया सिर्फ इस वजह से कि वो एडमंड से शादी कर सके और एडमंड भी अभी मर चुका है तो गॉनरुल फिर खुद को भी यहाँ पर ख़त्म कर देती है देखिए अभी जो स्टोरी में हमारे पास कैरेक्टर्स बचे हैं वो एल्वनी बचा है जो कि गॉनरिल का पति है दूसरा एडगर बचा है और किंग लियर और उसकी सबसे छोटी बेटी कॉर्डिलिया बची है तो देखिये मरते मरते एडमंड ने बताया था एल्बनी सॉरी एल्बनी को और एडगर को कि उसने एक सिपाही को भेजा हुआ था किंग लियर को और कॉर्डिले को मारने के लिए तो जैसे ही एल्बनी ने इस बात को सुना कि कोई सैनिक गया हुआ है किंग लियर और कॉर्डिलिया को मारने के लिए तो वो मतलब सबसे पहले अपनी सेना को खुद जाकर के वहाँ पर दौड़ कर देखता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या तो देखिए जब तक वहाँ पर एल्बनी के सिपाही पहुंचते हैं और जैसे ही वो पहुंचते हैं उन्होंने देखा कि किंग लियर जो है वो बैठ रो रहे हैं और उनके मतलब गोदी में उनकी जो पुत्री है रीगन सॉरी रीगन नहीं कॉर्डिलिया पड़ी हुई है वहाँ पर तो कॉर्डिलिया के शव को लेकर के जो किंग लियर हैं वो वहाँ पर रो रहे होते हैं देखिए अब आगे होता यह है कि जैसे ही मतलब राजा ने किंगर ने अपनी बेटी को मरा हुआ देखा तो इस दुख के साथ वो सुसाइड कर लेता है और अंत में उसकी भी डेथ हो जाती है तो लास्ट हमारे पास जो जितने भी कैरेक्टर्स थे देखिए उसमें से अब जो बचता है कैंट बचता है और कैंट के अलावा यहाँ पे एल्बनी बचता है और एडगर बचता है तो एल्बनी यहाँ पे एडगर को भी मार देता है और कैंट की भी हत्या हो जाती है इसी संघर्ष में और अंत में जो एल्बनी होता है वो राजा बनता है और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है नोट्स आपको सॉरी uh, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और बाकी सारी जो यूनिट्स हैं उनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में